हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ही स्टेप से डार्क ग्रे टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना, एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाला फ़ोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम ऐड हो चुकी, ऑल फोटोज पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +34, एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो टेंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +25, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जाएंगे हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसे रखते हैं -45, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +20, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे हम -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम माइनस की लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -49, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी कर देंगे हम -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी माइनस की लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -45, एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे, एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को करेंगे -100, एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे, एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -22, एंड नेक्स्ट जाते हैं पर्पल कलर पे, एंड पर्पल कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम -100, एंड ऊपर से कर देंगे डन, एंड नेक्स्ट जाते हैं कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जाएंगे हम फोर्थ वाले ऑप्शन पे, जो कि है ग्लोबल का ऑप्शन। तो गाइस, इस पर क्लिक करेंगे, एंड अपने फिंगर की सहायता से फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को अपनी फोटो में परफेक्ट रूप से मिलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस, इसकी ह्यू है 190, एंड सेचुरेशन है 21, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -12, एंड ऊपर से कर देंगे डन, एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +26, एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है उससे थोड़ा सा और डार्क टोन आए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +15, एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस की लेके जाएंगे। तो गाइस, विनेट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -47, एंड यहाँ से मिड पॉइंट की वैल्यू को कर देंगे हम 0, एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो फेदर की वैल्यू को ज़्यादा नहीं यहाँ से करेंगे हम +65, एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल का ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो की शाइनिंग है वो थोड़ा और ज़्यादा लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं 21, एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे। तो इसे रखते हैं 38,
एंड यहाँ पर स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पर है कलर नॉइस रिडक्शन, एंड यहाँ से इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे, ठीक है। तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ ही स्टेप्स है। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड रिसेप्ट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।